कठिन के निकला रस्ते में एक मोड़ आया, मैं दिलों थे छोड़ाया साहेब, दिलों थे छोड़ाया साहेब। क्या बात है भाई, घर में गैस नहीं है। पता है, जिसे गैस है वो तो मायके गई है। मैं मायके की बात नहीं कर रही साहेब, मैं गैस की बात कर रही। नहीं, पर एक बात बताओ कि मेम साहब को बहुत सारी गैस है कि नहीं? मैं उस गैस की बात नहीं कर रही साहेब। तो किस गैस की बात कर रही हो भाई? वो जो खाना पकाती है ना, गैस सिलेंडर, उसमें गैस नहीं। कमाल है भगवान, कमाल है तेरा। जिस गैस सिलेंडर के अंदर गैस होनी चाहिए उसके अंदर गैस नहीं है, और जिस मेरी बेबी के अंदर गैस नहीं होनी चाहिए उसके अंदर बहुत सारी गैस है। चलो कोई बात नहीं, मैं फोन करता हूँ गैस एजेंसी, अभी गैस आ जाएगी। ऐसे हेलो, चालू गैस एजेंसी, ये मुसद्दीलाल सच्चर बोल रहा हूँ। क्या, खच्चर? खच्चर नहीं, मुसद्दीलाल सच्चर। हाँ, अच्छा अच्छा बोलो। बात यह है कि मेरी गैस खत्म हो गई है। तो? हाँ, तो मतलब मैंने बुक कराई थी, आपने भेजी नहीं। अच्छा, तो? तो मतलब भेजी है? हाँ हाँ भेज देंगे, थोड़ी शॉर्टेज है। मतलब कितनी शॉर्टेज है? कहा ना थोड़ी शॉर्टेज है। नहीं, थोड़ी सी कितनी है, पूरी तरह से एक्सप्लेन कीजिए मुझे कि कितनी। साहेब, बाहर गैस वाला आया। अरे वाह, आ गया, बड़ी कम शॉर्टेज है भाई। अच्छा भाई, नमस्ते, ले आए सिलेंडर? जी हाँ। हाँ, तो कितने पैसे? 300। अरे पहले तो 225 रुपए लेते थे। अरे साहब, वो नंबर वालों के लिए है ना। तो मेरी गैस भी तो नंबर की है, बुकिंग कराई है मैंने। अरे राम, नंबर तो सिर्फ हम दो लोगों को दिए, एक अपने घर में और दूसरा खुद को रख लिए। अच्छा, मतलब ये सिलेंडर नंबर का नहीं है, बुकिंग वाला नहीं है ना? तो तुम यहाँ सिलेंडर देने के लिए नहीं आए थे ना? तो फिर काहे के लिए आए थे भाई? अरे हम तो पड़ोस में आए थे ना। गुप्ता के यहाँ? हाँ। अरे वो तो ब्लैक में लेता है, उसके पास तो नंबर ही नहीं है। कभी तो आए हैं। अच्छा, ब्लैक वाला ले आए और नंबर वाला नहीं लेके आए? वो शॉर्टेज चल रही है ना। ब्लैक में शॉर्टेज नहीं चल रही? क्या कर रहे हो तुम, क्या कर दिया तुमने? सॉरी। चलो निकलो यहाँ से बाहर। सॉरी बोल रहे ना सर, सॉरी। निकलो निकलो बाहर यहाँ। ठीक है, बताइए मेन साहब नहीं है क्या? मेन साहब क्यों, क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, वो होती है तो ले लेती है ना, ब्लैक में ले लेती है। तो क्या आपको क्या लग रहा, आप इतने सालों से जो है नंबर वाली गैस पर चाय पी रहे हैं? साहब ये साहब लास्ट टाइम ले लो ना। नहीं 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 नहीं, चलो निकलो यहाँ से। अच्छा 5 रुपए कम कर। जाओ ना भाई। अरे तो बुकिंग में बहुत लाइन लगी भाई। मैं कह रहा हूँ जाओ यहाँ से। अच्छा 10 रुपए कम कर दो। बोल रहा हूँ ना जाओ, नहीं तो निकाल लूंगा कुछ मैं। नहीं नहीं नहीं, जा रहे जा रहे। ठीक है भैया, स्टोव जला, चूल्हा फूको, नमस्ते। पांडे जी ये सिलेंडर मुझे दे दीजिए। तुम्हें कैसे दे? पांडे जी ये मेरा है ना। नहीं भैया, सिलेंडर एक ही है, फैसला कैसे करें किसे दें करके? मैं पांडे जी मैं लूंगा। मैं नहीं कहा ना, मैं लूंगा। धक्का देता तू, तेरी ऐसी की तैसी। अबे तुझे देख लूंगा, देख लूंगा तुझे। हेलो पांडे जी, दलाल स्पीकिंग, बोलो डार्लिंग। ओके भिजवाता हूँ हनी। राधे श्याम जी। पांडे जी बेटा घर में गैस खत्म हो गई है, भाभी को जाके दिया सिलेंडर। ठीक है पांडे जी, जा। हाँ जी भाई साहब बोलिए, क्या गैस कनेक्शन अप्लाई करना है क्या? नहीं, ट्रांसफर का चक्कर है। नहीं, रेगुलेटर वेगुलेटर चेंज कराना है। नहीं, तो फिर क्या करना है? गैस बुक करानी है। और कोई काम नहीं है क्या? हैं जी, यहाँ वही आता जो फालतू धक्के खाता। बोलो ब्लैक में दें? 325। नहीं नहीं, मैं तो लाइन से ही लूंगा। नहीं मिलेगी, बहुत शॉर्टेज चल रही है। कितनी शॉर्टेज चल रही है? अंदर जाके देखो, पता चल जाएगा। हमसे ले लो तो ले लो, स्कूटर पे बांध के ले जाओ। नहीं भाई, आएगा तो यही बेटा घूम के। मैडम मेरी गैस नहीं पहुंची अभी तक। अरे नहीं नहीं, वो कबूतर वाला डिजाइन नहीं, वो कुत्ते वाला जो लास्ट टाइम मैंने देखा था, याद है, जिसमें कुत्ता बना हुआ था। हाँ हाँ, वही वही चाहिए। मैडम एक्सक्यूज मी प्लीज, मेरा गैस बुक कर लो। अरे फोन रखिए ना, मैं कब से लाइन में खड़ा हूँ मैडम। अरे क्या बात है भाई साहब, ये लाइन आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अरे भाई साहब देखिए ना, तब से फोन पे चिपकी है। क्या सिलेंडर चाहिए? हाँ मिल जाएंगे। कितने चाहिए तुझे? 4। भेज देना किसी को, तुझसे ब्लैक का पैसा थोड़ी लूंगी मैं। लेकिन देखो कुत्ते के डिजाइन के साथ भेजना। एक्सक्यूज मी मैडम, हेलो हेलो। अरे फोन रखिए श्री देवी जी। कमाल है, कब से लाइन में लगे, आप सुनती क्यों नहीं है? अरे भाई साहब 3 महीने से मुझे गैस नहीं मिला। क्या बात है, हो चिल्ला क्यों रहो, चलो पीछे हटो। अरे हम जो पीछे हटे, हम तो लाइन में खड़े हुए हैं। हाँ तो पीछे हटिए ना। अरे हम क्यों हटे, तुम आओ लाइन में पीछे। अरे मैं मालिक हूँ इस गैस। अरे हुआ करो तुम मालिक हो। देखिए भाई साहब, वो देखिए वो औरत जो है वो बुकिंग नहीं कर रही है, बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ तो वो कर रही है ना। कहाँ कर रही है, वो तो फोन पर बात कर रही है। तो फोन पर गैस ही बुक कर रही है ना। फोन पर गैस नहीं, कुत्ते का डिजाइन पूछ रही है। अच्छा हाँ। क्या उषा जी? जी सर,
मैं बाद में फोन करती हूँ। जी सर। क्या उषा जी बहुत काम कर रही है, थोड़ा आराम कर लिया कीजिए। लोग गैस के लिए परेशान है, इनकी गैस बुक कर दो। जी सर। नाम बोलो। 1901 प्रेम पांडे। मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। नो प्रॉब्लम। नमस्कार सर। अरे भाटिया जी, क्या हाल है? बहुत अच्छा है समोसा सर। मैडम, मैं राम स्वरूप, मेरा नंबर है 420। हाँ ठीक है। कब तक आ जाएगी मैडम? आ जाएगी जल्दी। हाँ, थैंक यू मैडम। नेक्स्ट। मैडम, मेरे यहाँ गैस नहीं पहुँची है। बुक की थी? हाँ बुक की थी। कहाँ? यहीं। और कहाँ? कब? यही को 1-2 महीने पहले। दोबारा बुक करनी पड़ेगी? क्यों? 1 महीने के अंदर डिलीवरी ले जाए तो ठीक है, 2 महीने हो गए तो बुकिंग कैंसिल हो गई आपकी। तो डिलीवरी तो ले लेता, लेकिन डिलीवरी आती तब ना। शॉर्टेज है ना। अच्छा, कितनी शॉर्टेज है? थोड़ी सी है। तो फिर कितने दिन लग जाएंगे? आप एक काम करो, आप गैस बुक कर लो, फिर 1 महीने के अंदर डिलीवरी ले जाना। नहीं, मैं तो ले लूंगा, लेकिन आप डिलीवरी देंगी तब ना। हमारे हाथ में थोड़ी है, ऊपर से जब आएगी गैस तब दे देंगे ना। तो ऊपर से गैस नहीं आई तो? तो दोबारा बुक कर लेना। दोबारा बुक करने में भी नहीं मिली तो? बड़ी निराशावादी आदमी, उम्मीद रखो आ जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, लिख लो नंबर 1199। अब बुकिंग कल होगी। कल क्यों? 5 बज गए। अरे एक नंबर ही तो लिखना है मैडम, लिखो ना 1199। 5 बज गए। हेलो, क्या मिल गई कुत्ते की डिजाइन? ओह थैंक यू। हाँ मुझे जरा बता देना, मैं लिख लेती हूँ कैसे बनानी है। रुक जा बे। आओ पांडे, बीड़ी पिलाओ यार। ए शुक्ला, पांडे नहीं पांडे जी बोल। वैसे ही साला तहलका ने दलालों की इज्जत खराब करके रख दी है। ठीक है पांडे जी, बीड़ी पिला दो, यही वाली दे दो। बोल कितने सिलेंडर बिके? अरे ब्लैक की तो इतनी डिमांड बढ़ गई है कि नंबर से कोई ले नहीं रहा। हाँ, नंबर की बड़ी मारामारी चल रही है। मेरे भाई एक सिलेंडर था, उसी के पीछे झगड़ा हो गया। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि ब्लैक वालों का नंबर लगा दो। अरे गुड आइडिया, ब्लैक के लिए भी नंबर लाओ। पटेल साहब को बोलो। चलिए भाई साहब, मिल गया सिलेंडर? नहीं सिलेंडर नहीं मिला, कह रहे हैं थोड़ी शॉर्टेज चल रही है। कितनी शॉर्टेज चल रही है? थोड़ी शॉर्टेज। देखो नंबर के चक्कर में मत पड़ो, हमसे ले जाओ 350 में डन करो, अब भी ले जाओ स्कूटर पे लाद के। अरे अभी तो 350 कह रहे थे, अब 350 कैसे? वो अंदर जाने से पहले था, बोलो लाद दे स्कूटर पे भरा हुआ। नहीं नहीं। क्यों, घर में बीवी नहीं है क्या? मायके गई है। तभी क्या भाटिया, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, पेट में थोड़ी गैस भर गई है। ओ, तभी पब्लिक कंप्लेन करती है, सिलेंडर आधे खाली मिलते हैं। नहीं सर, वो वाली गैस थोड़ी है। तो कौन सी वाली गैस है? अरे सर, वो समोसे खाली थे, गड़बड़ कर गए। ज्यादा खाली है? नहीं सर, कम खाए इसलिए हुआ है। यही तो, यही तो। पटेल साहब। क्या शुक्ला, डिलीवरी हो रही है ना टाइम पे? अरे कहाँ सर, डॉक्टर कह रहा 10-12 दिन ऊपर जाएगा। डॉक्टर कह रहा? ये सिलेंडर की डिलीवरी डॉक्टर कर रहा था क्या? नहीं सर, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है ना। अरे मैं सिलेंडर की डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। हाँ वो टाइम पे चल रहा है, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम है। ए पांडे जी। नमस्कार पटेल साहब। हाँ क्या पांडे जी, सुना कल बहुत मारपीट की एजेंसी के बाहर। ना ना सर, वो बड़ी समस्या चल रही है, ब्लैक के सिलेंडर के लिए बहुत मारामारी हो रही है। वो थोड़ी शॉर्टेज है ना सर। क्यों ना बीबीसी खोल लें? बीबीसी? बीबीसी मतलब ब्लैक बुकिंग काउंटर। हाँ सर, उससे बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्या है, जो ब्लैक मिले वो भी बुक कराया, एटलीस्ट कुछ सिस्टम हो। ठीक है खोल दो। अरे लेकिन नंबर वाली बुकिंग वो तो खुली है ना। हाँ सर, बुक वहाँ कराए, सिलेंडर ब्लैक में पाए। आइडिया बुरा नहीं है। क्या है, हमें पब्लिक की सुविधा के बारे में सोचते रहना चाहिए। नहीं मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ मैडम कि मेरा नंबर 1199 है। नाम क्या बताया? मुसद्दीलाल सच्चर। नंबर क्या बताया? 1199। मुसद्दीलाल सच्चर। हाँ 1199। हाँ भाई हाँ। झूठ, तुम फ्रॉड हो। क्या 1199 नंबर मिस्टर जगजीवन राम वर्मा का है? हाँ उन्हीं का है। अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारा है। हाँ ये नंबर मेरा है। तुम्हारा नाम क्या है? मुसद्दीलाल सच्चर। तुम्हारा नंबर क्या है? 1199। 1199 तो फिर तुम्हारा नाम मुसद्दीलाल सच्चर नहीं हो सकता। अरे भाई मेरा नाम मुसद्दीलाल सच्चर है। फिर तुम्हारा नंबर 1199 नहीं हो सकता। अरे मेरा नंबर 1100, आप मुझे पागल कर देंगी। पागल तो आप है, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है 1199 नंबर मिस्टर जगजीवन राम वर्मा का है, दूसरे किसी की गैस मैं आपको कैसे दूं? हाँ हाँ तो उन्हीं का है, उन्हीं की गैस मैं लेता हूँ। क्या तुम दूसरे किसी की गैस लेते हो? ये तो बहुत गलत बात है। वो नेपाल चला गया है। क्या उसे नेपाल भेजे और उसका सिलेंडर तुम लेते हो? मैडम मैंने उसे नेपाल नहीं भेजा, उसका ट्रांसफर हो गया, वो ये सिलेंडर मुझे बेच कर गया है।
नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये गलत है, गैस नहीं मिल सकती तुम्हें। अरे देखिए मैडम, ऐसा मत कीजिए, मुझे गैस की बड़ी सख्त जरूरत है। अरे भाई, किसी और की गैस मैं कैसे दे दूं तुम्हें? पर ये नंबर तो मेरा है ना। नहीं नहीं, ये नंबर जगजीवन राम का। पर जगजीवन राम तो मुझे बेच कर गया है। लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ है ना तुम्हारे नाम? हाँ, ट्रांसफर तो नहीं हुआ है। तो फिर क्या करें? एक काम करो, ट्रांसफर कराओ, फिर सिलेंडर ले जाओ। हैं जी, पहले ट्रांसफर तो कराओ। देखिए देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा अच्छा, किसके पास जाना होगा? भाटिया से मिलो। ये भाटिया कहाँ मिलेंगे? अरे भाई नेक्स्ट आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? अटल अडवाणी। क्या? अरे भाटिया साहब, भाटिया साहब, क्या हो गया भाई साहब? अरे होना क्या है भाई, गैस का बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको भी है? हाँ, मेरे को भी है। अरे आप तो एजेंसी में काम करते हैं, आपको गैस का प्रॉब्लम कैसे हो सकता? क्यों, जो एजेंसी में काम करते हैं उनको गैस का प्रॉब्लम नहीं हो सकता? नहीं मतलब हो तो सकता है। अरे भाई साहब, आजकल जिसे देखो उसे ही गैस की प्रॉब्लम है। हाँ भाई, शॉर्टेज चल रही है ना। शॉर्टेज साहब, ओवरफ्लो हो रही है। कहीं ओवरफ्लो हो रही है, कहीं शॉर्टेज चल रही है। वो तो है ही है, ये सब तो चलता ही रहता है। वैसे एक बात बताइए भाई साहब, आप करते क्या है जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है? करना क्या है, बस खाना वाना नहीं बनता बस। नहीं, खाना ना खाने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती ना, उससे तो बढ़ जाती है। बीवी है? हाँ बीवी तो है। उसको भी होती है गैस की प्रॉब्लम? अरे उसे तो डबल डबल गैस की प्रॉब्लम है। नहीं देखिए भाटिया साहब, कुछ हेल्प कर दीजिए ना। अच्छा बताइए अपनी प्रॉब्लम डिटेल में बताइए। बात यह है कि पिछले 10 साल से मैं किसी और की गैस पे हूँ। क्या मतलब? मतलब 10 साल पहले मैंने जगजीवन राम की गैस ले ली थी। क्या? हाँ। अरे ऐसे कैसे आप किसी की गैस ले सकते हैं? बस यही तो गलती हो गई। अल्लाह, तो अब क्या मतलब, मैं उससे लिखवाना भूल गया। 3,000 रुपए दिए मैंने उसको। 3,000 रुपए गैस लेने के? हाँ जी भाई। ए मेरे भाई, मेरी भी गैस ले ले, फोकट में दे दूंगा कसम से। अच्छा, मेरे पास तो ऑलरेडी गैस है ना। देख ना, तेरे जैसा कोई भाई बंधु होगा ना, ले 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 यार, तो ले ले यार। देखिए कोई मिलेगा मुझे तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, पर अब आप बताइए कि फिलहाल क्या करें। फिलहाल तो हाँ, ये एक गोली है मेरे पास, इसको चूस लो, गैस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे गोली से गैस कैसे मिल जाएगी मुझे? अरे मिल ले जाएगी, निकल जाएगी। निकल नहीं, मुझे तो चाहिए गैस भाई। अभी कितनी गैस चाहिए, अभी तो बोलना है। कहाँ है? अरे तुमने बोला गैस है। मैंने कब कहा? अरे तुमने बोला कि गैस की प्रॉब्लम है। अरे भाई गैस की प्रॉब्लम है मतलब चूल्हे पे खाना पका रहा हूँ पिछले 15 दिन से। अबे कौन सी गैस की बात कर रहा है तू? LPG। ला गोली वापस कर पहले। ये ले। आप कौन सी गैस की बात कर रहे थे? PMG। PMG? पेट में गैस। अच्छा आप ये बताइए कि मेरी गैस का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? क्या प्रॉब्लम क्या है? अब ट्रांसफर का प्रॉब्लम है। तो एक काम करो ना, एक 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे एप्लीकेशन लिखो और ये लिख दो कि किससे गैस ली, क्यों ली, कब ली। जगजीवन राम वर्मा से ली, 10 साल पहले ली, वो नेपाल जा रहा था इसलिए ली। लिखे, लिखे। 500 रुपए का स्टैम्प पेपर तो नहीं है ना मेरे पास? ये लो पेपर। अब 500 का स्टैम्प निकालो। अरे 500 का स्टैम्प? अरे यार 500 का नोट। 500 का नोट नहीं है, 100 का नोट है मेरे पास। तो 5 नोट लगाओ ना, अटैच कर दो इसके साथ। करता हूं, एक सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। ये एप्लीकेशन लिखो और पटेल साहब है एजेंसी के मालिक, उनके साइन ले लो। अच्छा अरे ये क्या कर रहे हो? अरे बचपन से स्टैंप कलेक्शन का शौक है ना, स्टैंप निकाल रहा हूं। भाई ट्रांसफर तो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जगजीवन राम के साइन लगेंगे, जाओ ले आओ। नहीं पर वो तो नेपाल में है। हाँ तो वहां जाकर ले आओ ना, उसके बिना नहीं, कुछ नहीं हो सकता। पर देखिए देखिए परवर कुछ नहीं, मिस्टर सच्चर क्या है, गैस जगजीवन राम के नाम पर है ना, तो भाई पता तो चलना चाहिए ना कि उसने आपको दी है या आपने चुराई है। मैं आपको चोर दिखाई देता हूँ। नहीं दिखने का सवाल नहीं है, मगर ये पेपर्स ऊपर तक जाएंगे, वहां से ऑर्डर्स आएंगे, तो फिर साइन तो लगेंगे ना। तो मैं क्या करूं? 3,000। 3,000? हाँ, हम पेपर्स कुरियर से जगजीवन राम तक पहुंचाएंगे, वो साइन करके वापस भेज देंगे। बाय द वे उनका एड्रेस है ना? नहीं एड्रेस तो है, मगर 3,000 किस बात के? अरे भाई लगता है ना कुरियर का खर्चा प्लस ट्रांसफर फीस। नहीं नहीं 3,000 बहुत ज्यादा है। अरे भाई मैं रिश्वत थोड़ी मांग रहा हूँ, जो लगता है वो तो लगेगा ही ना, वरना गैस मिलेगी नहीं आपको। नहीं मैं खुद ही करवा लूंगा। कहाँ? नेपाल जाके? नहीं वो तो देखो मान जाओ, दे दो 3,000, वरना 2 बातें हो जाएगी, या तो आप कुरियर से भेजेंगे या तो खुद नेपाल जाएंगे और साइन ले आएंगे। कुरियर से भेजा तो ठीक, मगर खुद गए तो 2 बातें होंगी, या तो आप सही सलामत वापस लौटोगे या तो नहीं लौटोगे, वहां पर मारे जाओगे दंगों में। सही सलामत लौटो वैसे वहां के हालत है नहीं, और मारे गए तो 2 बातें होंगी, या तो आपकी बीवी 13वीं के खाना खिलाएगी या तो नहीं खिलाएगी, नहीं खिलाएगी तो आपकी आत्मा भटकेगी
और खिलाया तो दो बातें होंगी, या तो वो गैस पर खाना बनाएगी या तो स्टोव पर बनाएगी। गैस पर कैसे बनाएगी, गैस तो होगी ही नहीं, और स्टोव पे बनाया तो अरे वाह वाह क्या भाई साहब, मरने के बाद भी बीवी से स्टोव में हवा भरवाना चाहते हो? 3000 देके बीवी की हवा क्यों नहीं निकालते आप? है जी 3000। ठीक है कल ला दूंगा। ठीक है तो फिर 2-4 दिन में साइन आ जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा ना? आ जाएगा भाई साहब, आ जाएगा। कब आ जाएगा, 1 महीना हो गया नेपाल गए हुए से। हाँ तो नेपाल भेजा है ना? तो नेपाल भेजा, कहीं को चांद पर तो नहीं भेज दिया? चांद पे भेजा होता ना तब तक आ भी जाता। क्या? हाँ। चांद ज्यादा दूर है कि नेपाल ज्यादा दूर है? नेपाल। क्या? जी हाँ। कैसे? नेपाल आपको यहाँ से दिखता है? नहीं दिखता तो नहीं है, चांद रोज दिखता है। चांद। देखिए भाटिया साहब, मुझे ये बताइए कि मेरे पेपर वहां से साइन होके कब आएंगे? ये तो जगजीवन राम ही बताएगा। कैसे बताएगा? उससे पूछो। कैसे पूछूं? अरे भैया या तो नेपाल जाओ या चिट्ठी लिखो या कोरियर से। क्या पता भाई साहब, मेरे को क्या लगता है आपने पेपर्स के साथ जो रिटर्न कोरियर के पैसे नहीं भेजे ना, इसलिए उसने नहीं भेजा। हाँ इसीलिए नहीं भेजा होगा, बड़ा कंजूस आदमी था वो चिट्ठी भी भेजता था ना तो बिना टिकट के। मैं कहता हूँ आप उसको 2000 रुपए भेज दो। कैसे? कोरियर से लाओ। क्या? 4000 रुपए। किस बात के? अरे 2000 रुपए कोरियर के और 2000 वापस वाले। नहीं कोरियर तो मैं खुद ही करा लूंगा। अच्छा अच्छा, हम पे विश्वास नहीं है? नहीं है। नहीं, नहीं बोल दो पे विश्वास नहीं है? नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। नहीं है। सच बात तो ये है कि नहीं है। अरे भाटिया साहब आप ऐसे नाराज मत होइए, मैं 4000 रुपए लेके आया हूँ, मुझे पूरा विश्वास था। था ना? हाँ क्या आप मांगोगे? क्या? नहीं कुछ नहीं, अब मेरी गैस का प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर देंगे, आपकी गैस का क्या हाल है? वही ओवरफ्लो। क्या हुआ भाटिया साहब, मुसज्जी के पेपर कहाँ भेज दिए? नेपाल। हाँ तू जाके ले आ। कहाँ? नेपाल पे। हाँ अलमारी के पीछे जो नेपाल है वहाँ से। हाँ इसका मतलब भेजे ही नहीं? अबे पागल है क्या तू? तो साइन किससे कराओगे? तू कर दे। ना ना मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि ऐसे साइन कर कि पता ही ना चले कि जगजीवन राम वर्मा है या जीवन जगराम वर्मा है। अभी किए देता हूँ। अरे क्या किए देते हैं, 2 महीने हो गए, कहाँ किया कुरियर, कैसे किया कुरियर? जीवन जगराम वर्मा को। अरे नाम तो जगजीवन राम वर्मा है। वही तो, वही नाम का कंफ्यूजन हो गया ना, अब दोबारा कोरियर करना पड़ेगा तब आएंगे पेपर्स। तो कब करेंगे, 2 महीने से चक्कर काट रहा हूँ मैं यहाँ पे। मेरी बीवी ने मायके से आने से इनकार कर दिया, कहते जब तक गैस नहीं आएगी मैं नहीं आऊंगी, आप लोगों को मेरी परवाही नहीं है। तो है बट। तो फिर गैस दीजिए ना मुझे। चिल्ला क्यों रहे हो? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, गैस मांग रहा हूँ। हाँ तो चिल्लाने से गैस थोड़ी मिलेगी, बुक करानी होती है ना। बुक कैसे कराऊँ, मेरे पेपर ट्रांसफर होकर नहीं आया अभी तक। कहाँ से? नेपाल से। ओ भाटिया कौन से नेपाल भेजा है? वही जो चांद से भी दूर है। अच्छा अच्छा वो वाले, ओ डोंट वरी आ जाएंगे। शुक्ला जी, ओ शुक्ला जी। जी। अरे भाई इनके पेपर नेपाल से आए कि नहीं आए? अरे कब के आ गए? क्या? अरे कहाँ है, कहाँ है? ये रहे। लो भाई पेपर तो आ गए। हेलो, ये कह रहे थे पेपर नहीं आए हैं। फाइल भी मिल गई आपको? अब तो मुझे गैस मिल जाएगी ना। हाँ मिल जाएगी, मतलब बुक करानी होगी। उषा जी। जी सर। भाई इनकी गैस बुक कर दो। जी नंबर बोलिए। 1199। मुसद्दीलाल। जी जी। 1199। यही नंबर है मेरा। नहीं ये नंबर तुम्हारा नहीं है, ये वेटिंग नंबर है। है जी? गैस में वेटिंग नंबर चल रहा है ना। 1199 जी, यही तो थोड़ी शॉर्टेज है ना। थोड़ी शॉर्टेज जी, 2-3 महीने में आ जाएगी। तब तक क्या करूं? स्टोव जलाओ। अरे मेरी बीवी तो मायके से आने में इनकार कर रही है। ब्लैक में ले लो। जी हाँ जी। नहीं 500 रुपए। 500 रुपए पर पहले तो 300 बताया था। अरे वो 2 महीने पहले का रेट था भाई, आजकल थोड़ी शॉर्टेज चल रही है ना। कितनी शॉर्टेज? वो छोड़ो, ब्लैक में दे दो। पांडे जी। जी। जरा इनको बीबीसी ले गई भाई। अरे मुझे बीबीसी नहीं जाना है, मुझे गैस चाहिए। वही मिलेगी, बीबीसी मतलब ब्लैक बुकिंग काउंटर। ब्लैक का भी बुकिंग काउंटर है? 2199। अच्छा यहाँ का नंबर 1199 और वहाँ का 2199। अरे भैया नंबर से ज्यादा ब्लैक वाले हैं हिंदुस्तान में। बोलो क्या बोलूं? 600 रुपए दो, अभी लदवा दो स्कूटर पे। यही तो, तुम भी खुश बीवी भी खुश। लदवा दो 600 रुपए। ये लो 600 रुपए। भाई मुबारक हो आपको, आपकी गैस मिल गई। लाल जी आप उस दिन मेरी बात मान गए होते तो 300 रुपए का सिलेंडर पड़ा होता, 300 की बचत। उस दिन मान गया होता ना मैं तो 300 की नहीं 7800 की बचत होती। कुछ तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? और ये गैस कंपनी के चक्कर लगाते लगाते लगता है पेट में थोड़ी गैस हो गई है। ओ एक मिनट, मेरे पास एक गोली है, ये चूसो गैस कम हो जाएगी। कम हुई नहीं, लगता थोड़ी बढ़ रही है। अच्छा है, गैस की शॉर्टेज भी नहीं होगी। यही तो है जी।